सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन टू। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही मज़े की ट्रीट लेकर आ रहे हैं। हमें इतनी रिक्वेस्ट आई कि इन स्टार्स को आप बुलाएं, बिकॉज उनका लिंक पाकिस्तान टेलीविजन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है जी आसिम। जी शर्मीन, आज एक्साइटमेंट का लेवल आप देख रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ, बल्कि जो कल से आपकी खुशी है, इतनी सारी एक्साइटमेंट है, वो आज के हमारे इस एपिसोड की वजह से है ना? बिल्कुल, क्योंकि बहुत अरसे से मैं ये प्लान कर रहा था, और आपको पता है कि कुछ ऐसे शोज होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और जब आपके दोस्त, आपके फेवरेट स्टार्स जब शो पर आए, तो उसकी एक खुशी का लेवल ही कुछ और होता है। एब्सोल्युटली, और फिर ये जो दोस्त हैं, अगर हमारे लेजेंड्स हों, आइकॉन्स हों, तो हमारी ऑडियंस का भी मज़ा दुबाला हो जाता है। और इनका लिंक पाकिस्तान टेलीविजन से इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे एक फैमिली का लिंक होता है, एक कनेक्शन होता है, बिकॉज देयर पेरेंट्स, दे वर्क इन PTV, दे आर लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, एंड फिर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया PTV से, और आज वो आइकॉनिक एक्टर्स हैं। जी बिल्कुल, एंड इवन दो दे आर रिलेटेड, आई डोंट थिंक इन द लिटिल रिसर्च दैट आई हैव डन, आई डोंट थिंक हमारे आज के जो दोनों गेस्ट हैं, उन्होंने कोई भी टॉक शो या इस तरह का प्रोग्राम साथ इकट्ठे अटेंड किया हो। हाँ, ये क्रेडिट सिर्फ आपको पता है कि हमें जाता है, और स्टार इन स्टाइल को जाता है, क्योंकि PTV जब उन्हें गेस्ट को बुलाता है तो वो हमें इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है PTV से। बिल्कुल, और आसिम आपको इनकार करना थोड़ा मुश्किल भी है, बिकॉज आई थिंक बाई नाउ आर ऑडियंस नोज हाउ परसिस्टेंट यू कैन बी। नहीं, ऑफकोर्स, सो लेट्स इन्वाइट the gorgeous, the stunning, the iconic, the legends, Maria Vasti and Leila Vasti. Welcome. Leila is coming here for the first time. बिल्कुल. Because उसने कहा कि भाई, I've had enough of you, Maria. No. I can't have enough of you, Maria. Yeah. No. He can never have enough of you. Best friend है आप तो. Of course. BFF. ये तो अपने पाकिस्तान को पता है. But how did he manage to get hold of you this time? I got a call from Maria. Wait, तुमने आना है. तो पहले हाउ कम इट नेवर वर्कड आउट बिफोर? आप ट्रैवल कर रही होती थी, आउट ऑफ कराची होती थी, शूट होती है, तो शूट में से बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते, और आज तक अंडरस्टैंड नहीं किया लोगों ने कि शूट में से निकला नहीं जा सकता है, और हालत खराब हो जाती है। यू जस्ट वांट टू गो होम एंड नॉट सी एनीबॉडीज फेस, इट्स नॉट इवन योर्स। बीच में भी नहीं, लोग समझते हैं आप लंच पे आ जाएं, अच्छा आप चाय पे आ जाएं, बीच में आ जाएं, नहीं जी, हम बीच में से निकल नहीं सकते। हमारे सुबह 10 बजे से तकरीबन टिल रात के 10 बजे तक हमारा शूट होता है। बाय द टाइम 10 बजे ऑफ होता है, 10:30 तक आप निकलते हैं, 11 बजे घर जाके देन यू हैव नो टाइम। बस करो मत याद, बाकी मेंटली एग्जॉस्टेड पहुंचते हैं ना, फिर किसी से बात करने का भी दिल नहीं है। अच्छा, आई एम श्योर आसिम नोज, बट आई वांट टू नो, पूरे पाकिस्तान को पता है यू गाइस आर कजिन्स, यू रिलेटेड, बट क्या है रिलेशन, क्या रिश्ता है, कैसे मैटरनली, क्योंकि नाम एक जैसा है ना, तो वो यही समझते हैं ऑब्वियसली, एक ही कभी ये तो नहीं समझते हैं, मेरी खाला की बेटी है, एंड देन मारिया की मदर आल्सो मैरिड इनटू अ फर्स्ट कजिन, तो दैट्स व्हाई वास्ती दोनों का, तो इसलिए वास्ती है वो, वी आर रिलेटेड फ्रॉम एवरीवेयर। तो बचपन से दोनों का एक साथ ही प्लान था कि वो बड़े होके एक्टर बनना है, बड़े होके हम फ्रेंड्स बनेंगे, अब वे मोर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में वो एक्टर्स का तो नहीं था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, मेरा तो कोई इरादा नहीं था। मारिया आई थिंक केम ऑन TV लाइक अबाउट अ ईयर बिफोर मी, कोई ऐसे प्लान्स नहीं थे, जस्ट एक्सीडेंट्स हैपेंड ना। अच्छा, जैसा कि हम आरे व्यूअर्स को पता है कि रिजवान वास्ती और ताहिरा वास्ती की बेटी हैं लैला वास्ती, और उन्होंने इतना काम किया PTV पर, इतने ड्रामे, और एक दे वर लेजेंड्स, और उसके बाद मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो लैला बहुत होंगी ना आपसे। देखिए, जैसे अगर मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स होते तो हमारे इर्द-गिर्द सब डॉक्टर्स होते, बिल्कुल, बिकॉज माय पेरेंट्स वर एक्टर्स, सो वी हैड द सेम पीपल कमिंग इन एंड मीटिंग अस एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिकली मुझे ऑफर्स आने लग गए थे,
तो लाहौर में नुसरत ठाकुर साहब ने पहली दफ़ा ऑफर किया था फॉर द एक्चुअल अनारकली. ओके. तो उसके रिहर्सल्स भी हो गए थे एंड आई नेवर वांटेड टू एक्ट, लेकिन अम्मी अबू हाँ बोल चुके थे. ओके. सो आई हैड टू डू दैट. तो हम रिहर्सल्स किए, मेकअप हुआ, अंगरखे पहने. अच्छा. गर्मियों में था. लाहौर स्टूडियोज में गए, मुबारक अली साहब का सेट था एंड वो कोई कॉपी राइट्स का इशू आया अनारकली का एंड इट वॉज स्टॉप्ड राइट देयर एंड देन आई थिंक मैं बहुत खुश हुई. इसके बाद ऑटोमेटिकली फिर एक ऑफर आई थी विच माई मदर हैड रिटन, विच वॉज माई फर्स्ट प्ले बेगम हवेली, विच वॉज अ मिस्ट्री एंड दैट जॉनर इज माई फेवरेट. वो मैंने राइट अवे फिर कर लिया था एंड आई हैड फन डूइंग इट एंड आई रियलाइज्ड ओह आई कैन डू दिस, अदरवाइज मैं टीचर होती. ओके. मतलब तुम अभी भी हो. कैसी? किसको टीच करती है ये? टीचर होने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप स्कूल जाएं, स्कूल जाएं या आप वाकई कुछ पढ़ाएं. लाइफ कोच हो सकती हूं. इट्स लाइक द टीचर टाइप होते हैं ना, वो हर एक को कुछ कुछ पढ़ा ही रहे होते हैं, लाइफ कोच सिखा रहे होते हैं, कुछ लाइफ कोच. या अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स कम टू मी फॉर एडवाइस. अच्छा मारिया, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, आपने अपना करियर का आगाज जो है कितना वो फॉर्मल सवाल है, अजीब सा, वाकई मुझे अजीब सा लग रहा है कि आसिम रात को फोन कर रहे थे. हां बात सुनना, वो जो तुमने क्या बोल रहे हो ऐसे बोल कांटा कर लाया. अच्छा भाई, सबसे पहले तो जो है मैं यहाँ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमारी बहुत ही प्यारी बुशरा अंसारी आपा, उनके घर एक डिनर था और वहाँ पे मारिया का एक नया रूप हमने देखा. मैं देखा हुआ था. हाँ, मैं और मरीना बैठ के हम आपस में बात करें तो मैं वैसे उनसे डिस्कस करा कि तन्हाइयां 2 आपने बनाया तो उसका सीक्वल था ये, तो वो मुझे कुछ बता रही थी ना, तो साइड में थोड़ी साइड में खाना खा रहे बैठे तो मैं भी ऐसे सुन रहा हूँ ना, तो एकदम मारिया की चिखती आवाज है, तो क्या हम पागल है? मेरा तो कांटा गिर गया और कांटा गिर गया. मैंने कहा ये क्या हुआ है? हम सारे मुझे आई हैव दिस इफेक्ट ऑन अस. तो वो था क्या, वो कोई हमारी जस्ट फनी थी और डिस्कशन हो रही थी इसके अंदर. मैंने कहा नहीं हो सकता ये कैसे कहा है. तो वहां पे सारे अपनी तरफ से बहुत मुहज्जब लोग बैठे बैठे अब उसके हमारे अंदर एक ढगापन है, तो वो निकल आता है. सारे को मरीना बुशरा रुबीना आप तो बात करते हैं और एकदम इसके अंदर जो है पंजाबी फिल्म की हीरोइन आ गई उसमें छलांग लगाई. But you seem like a people person के बैठ के हल्ला गुल्ला बात, but you seem the exact opposite. Is that how it is? It's actually the exact opposite. I am like this, but your people means के friends वगैरह. I'm the people person. I'm the people person. She's like completely. मुझे किसी से नहीं मिलना. अच्छा. But मैं people person हूँ, when I'm amongst people. Okay. And I will avoid going somewhere. I'm not a party person. Okay. But when I meet people, then I'm lively and सारा कुछ. Friends के अलावा भी like you know she is. She has a people pleasing. जो फ्रेंड्स है ना, क्लोज फ्रेंड्स, उनके साथ बैठ के हम रात को देर तक गप्पे भी लगा रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं उसके साथ. हाँ, मगर जब इसको पता चलता कि वहाँ पे ज्यादा लोग हैं, मैं कहती हूँ that's also me. Okay. I would run away ज्यादा लोगों से. उस दिन भी मुझे लग रहा था कि कम लोग आएंगे, इसलिए आगे पहली ब्रेक लेने चाहिए. इन कॉन्वर्सेशन विद टू लेजेंड्स, टू आइकॉन्स, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां. तरह की बातें बताती होती है और फिर एक दफा हम हम भागे भी थे होटल से ना. अच्छा, हम दोनों क्लम्सी हैं, ठोकरें लग रही हैं ना. अपने ही कमरे में अगर आपको, मेरा मतलब है कि पता होता है ना कब बेड का है, चीजें आप बज रहे हैं आप चीजों के अंदर, ये भी वैसी है और मैं भी ना. प्यार का अब हम नाम ना लेंगे, ना दानी से काम ना लेंगे, इस दिल के लिए तेरी खुशी के लिए सारा जमाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन वेरी क्लोज दैट मींस कि बहुत कुछ पता है तो यू बेटर बी वेरी केयरफुल हां बहुत कुछ पता है लेकिन जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे एंड आई थॉट दिस शुड बी डिस्कस्ड ऑन कैमरा आल्सो आप लोग बता रहे थे कि इवन दो यू गाइस आर रिलेटेड इतना क्लोज रिलेशन है बट यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची वेयर एज यू लिव्ड योर लाइफ इन लाहौर तो बॉन्डिंग असल इतना इंटरेक्शन नहीं रहा हुआ कैसे और देखो रिश्तेदारी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि दूर डिस्टेंस हो दूर दूर इसीलिए माय फादर स्पेशली बिकॉज सारे रिलेटिव्स लाहौर में थे तो माय फादर वांटेड टू लिव इन कराची अच्छा मुझे दादा भी दादा कराची सो दैट्स द मेन रीजन कि हम लोग फिर व्हेन वी ग्रू अप वी मेट एट देखो जब आपका दुख और तकलीफ और पेन एक होता है ना यू कैन रिलेट टू ईच अदर ना तो जानते हो तुम हां मैं तो बिल्कुल जानता हूं दुख जो है ना सुख तो जब मैच एज कॉलीग्स हुआ तो ये तो नहीं हुआ ना कि आप लोगों का एक प्ले जो पीटीवी पर चला था उसका एक क्लिप मैंने सेलेक्ट किया तो आइए वही प्ले तो था जो न्यूयॉर्क में था उसके तो वो जो कहानी तो कहानी है उसके पीछे बड़ी कहानी है अपनों को तो कोई भी परेशान नहीं करना चाहता शुमाइल लेकिन अपने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर परेशान हो जाते हैं दोनों के बेबी फैट जो है ना अभी तक वो यंग एज में जैसे होते हैं अभी भी है एक्सक्यूज मी यंग एज में जैसे होता है अभी भी हम बेबी हैं फैट होना हो टीन एज में होता है ना तो ये कहां शूट हुआ था न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क बल्कि हम कहां पता नहीं कहां गए थे वी वेंट टू वाशिंगटन आप वर्जीनिया थे हम लोग न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में हां तुम लोगों का मैं आई वाज स्टडीइंग इन एलए अच्छा यूसीएलए में हां How wonderful. Set पे फिर आप लोगों की दोस्ती हुई वहाँ पे ना बहुत सारे We were in the same hotel room. Okay. अच्छा यहाँ पे तो ये होता है ना कि हम काम किया और सब अपने अपने घर चले जाते हैं When you traveling और हमने अब तो खैर उस तरह शूटिंग्स नहीं हो रही We have traveled the world shooting ना बहुत हमने पूरी दुनिया इसी तरह देखी है तो जब आप वहाँ होते हैं तो यू आर लाइक अ फैमिली आप लाइक सुबह इकट्ठे काम करें काम करने के बाद भी यू गाइस आर यू नो सब इकट्ठे होते हैं हां ये तुम किसको बताना चाह रही हो हां ट्रेनिंग तो बड़ा अरसा हो गया फैमिली बने मैं ये बता रही हूँ कि आई मीन लाइक कुछ यादें हैं वो धुंधली हो गई हैं अब दोबारा यादें बनानी पड़ेंगी हमें रिफ्रेश करनी पड़ेगी अच्छा कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जो बिहाइंड द कैमरा हुई हो व्हाइल शूटिंग कोई हां मैं तो थप्पड़ वपड़ आई नो मारिया सीरियसली ये इस तरह की बातें बताती होती है और फिर एक दफा हम भागे भी थे होटल से ना अच्छा हम दोनों क्लम्सी हैं ठोकरें लग रही हैं ना अपने ही कमरे में अगर आपको मेरा मतलब है कि पता होता है ना कि बेड का है चीजें आप बज रहे हैं आप चीजों के अंदर ये भी वैसी है और मैं भी ना बहुत ज्यादा हमारे कोई और ये सूट हमारी फ्लाइट निकल रही है और हमने वो बैग पकड़ा है और बड़े बड़े सूट खुल गए एलिवेटर और शूटिंग के कपड़े भरे हुए हैं बहुत और हमने बैग किया है और जैसे ही हम लिफ्ट में लाए हैं वो यू करके खुल गया है यू नो लोग खड़े हुए हैं डालो एंड जिस तरह हम एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पे भी कुछ हुआ था पता नहीं क्या फ्लाइट तो नहीं मिस हुई नहीं आई वाज द लास्ट और वहां से तुम कहीं जा रही थी मैं कहीं और जा रही थी बिल्कुल पता नहीं क्या इस तरह क्योंकि जब तुम लास्ट टाइम मेरे साथ गई थी तो तुमने कहा था कि आई एम गोइंग टू गो टू कैलिफोर्निया टू सी लेना हां मैं चली गई थी ना शी डिड शी केम वो आयशा का वो प्रीमियर था शी सेड अबाउट द प्रीमियर तो दे केम एंड स्टेड विद ओके तो ये तो खैर उससे पहले की बात है बट उसे वो बहुत सारे फियास्कोस हुए अच्छा आप दोनों में ऐसा है कि किसी को ज्यादा गुस्सा आता है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा काम है तो वो बैलेंस आउट करता है गुस्सा एक दूसरे पे तो नहीं आता हां बट लोगों पे जनरली
कौन है ज्यादा गुस्से का तेज आप दोनों? मैं हूं. बहुत स्वीट हूँ लेकिन ये भी है. लेकिन आई गो नो नॉनसेंस. अच्छा हो गया. ओके. आई मीन ये नहीं कि एनीबडी कैन वॉक ऑल ओवर मी. Anybody who can walk all over me, उसको मैं allow कर रही हूँ. जब तक I say that's it. Okay. तो ऐसा नहीं है कि but दोनों एक different चीज़ loud है. Well balanced है. बिल्कुल. Loud नहीं होने का फायदा नहीं होता. Either I'm there 100% or I'm not there. Okay. So that's how. अच्छा how active you both are on social media? बिल्कुल भी नहीं है. Very passive. आपके तो इतने fake accounts हैं Twitter पे. आपका fake account? Twitter पे मेरा please खुदा के लिए. हाँ ये बताओ अपने viewers हमारे viewers. मैं भी Twitter पे नहीं हूँ. But the funny thing is मेरा verified blue check account था Insta का. It was on an Los Angeles number. Okay. और वो verification code वहाँ भेज रहे थे. और फिर जब वो वहाँ मैं obviously वहाँ नहीं थी receive करने को that number's defunct. Okay. तो वो बंद हो गया. सोचिए मेरा verified बंद है. बंद है. Okay. और फिर मैंने दूसरा शुरू किया. बनाया यहाँ पर. But मैं I'm not very tech savvy. Okay. Insta बहुत ज़्यादा savvy नहीं हूँ. But मैं basics कर रही हूँ. कर रही हूँ. Just because just to be with the times. Okay. And Maria आप please हमारे viewers को बताइए कि आपका कौन सा fake account है? हाँ मेरा एक तो मैं Twitter पे मुझे ट्विटर पे जाना चाहिए. इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस. तो वो मैं ट्विटर पे जब गई पहली दफा दे मैं चेकआउट किया उनके साथ सिर्फ गालियाँ और बदतमीजियाँ हैं और पता नहीं क्या. तो मैंने कहा बना लिया मैंने बट मैंने बहुत कम उसको यूज़ किया. तो मेरे कुछ जब मैं लिखती नहीं थी तो उस तरह फॉलोअर्स भी नहीं थे. उसके बाद एक ये अभी बना एक मारिया वास्ती आगे उसके सोल्जर भी लिखा हुआ है. उसके बहुत ज़्यादा वो फॉलोअर्स हो गए मेरे से भी ज़्यादा. और उसमें सिर्फ पॉलिटिकल बैशिंग हो रही है. बट दैट इज अ फेक अकाउंट. फ्रेंड्स को भी कहती हूँ प्लीज रिपोर्ट इट. अ लॉट ऑफ पीपल उसमें लिखते भी रहे हैं कि भाई वी डोंट थिंक इट्स योर अकाउंट. फेक अकाउंट व्हाटएवर. और वो वैसे भी अगर कोई बहुत ही ऐसी बात हो तो आप उसको अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा दैट. हां और जो लैंग्वेज वहां पर इस्तेमाल हो रही है वो तो एस फेसबुक के बने हुए तो उनको क्या करें. बिल्कुल. हाँ कुछ नहीं हो सकता इसका. अच्छा जी हमने क्या किया कि आपके सोशल मीडिया पे हम लोग गए हैं. कुछ पिक्चर्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो हम आपको दिखाएंगे. तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे क्या हो रहा है. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां. जो जहाँ पे कांटा गिरा था जिस डिनर की हम बात कर रहे थे जहाँ पे तुम एकदम नागन बनी थी. बात ही कोई ऐसी थी. मगर वो वीडियो में नहीं है पर वैसे जो वहाँ पर हम लोग फन कर रहे थे वो हम क्योंकि सबके हाथ पे जो था गिर गया था, गया था. हमें हमें पता नहीं चलेगा वो बात क्या थी. नहीं नहीं वो बात नहीं थी. वो बात कोई होती नहीं है. वो ट्रिगर होता है. वो एक रिएक्शन था किसी बात पे. एक्शन का रिएक्शन था. व्हाट द हेक आर यू टॉकिंग अबाउट. ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं ना आपके तो ऐसे कहते हैं चुटकी काट देते हैं या टीवी लगा दी और दूसरा बंदा शोर मचा रहा है तो वो यूं लगता है कि वो शोर मचा रहा है जबकि पर वो बहुत मजा आया उस दिन. बुशाबा के नया घर था उसकी हाउस वार्मिंग काइंड ऑफ थी. हां इट वाज हां तो बहुत अच्छी. तो आइए देखते हैं प्रीमियर्स के साथ. जी हेलो सबा एंड वी हैव रुबीना एंड मरीना. आप इतनी सीरियस. And Pyari Urva. हमारा डिनर जहाँ पर हम लोग गए थे. दिस लुक्स लाइक सो मच फन. ऐसे कोई थे जो कि बहुत अरसे बाद जिनसे मुलाकात हो रही थी क्योंकि इवन दो लिविंग इन द सेम सिटी इतना काम में सब मसरूफ होते हैं कि ज्यादा सब सबसे सबसे मारिया को मैं काफी अरसे बाद बहुत बल्कि यू गाइस मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओह रियली. यस ऑफ कोर्स फॉर द सेकंड टाइम. हां बट एक दफा पहले मिले थे वो भी तुम्हारे घर पे एक डिनर किया था तुमने. यस बट हेलो मरीना वाला जो था ये तो डाई हार्ड फैन है ना मरीनाज.
मरीनाज एंड शनाज. अच्छा, वी विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक. ब्रेक पे जा रहे हैं और मुलाकात होती है आपकी ब्रेक के बाद. वो चार पेजेस को उठा के कहते थे इसको साइड पे रखें, आप एक स्टेप आगे लें, आप यहाँ मूव करें, आप उसको देखें. अच्छा। और जब वो स्क्रीन पे आता था इट हैड मीनिंग एंड सिंबलिज्म, तो मैंने बहुत लर्न किया उनसे. जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, और तो ये होती है अपना कह सकूं. डांट रहे हैं और माल पकड़ रहे हैं उनके एंड एवरीथिंग. तो वो सीन ऐसा था, सेमी भी थी, जैसे ही डायरेक्टर ने कहा कट, इन्होंने किया पार्ट. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. सिटिंग विद अस टू गॉर्जियस वुमेन, लैला वास्ती एंड मारिया वास्ती. द वास्तीज ऑन माय शो एंड योर बीएफएफ्स. माय बीएफएफ्स. यस. अच्छा, तो हाउ ऑफन डू यू गाइस टॉक, मतलब हफ्ते में कितने बार बात हो जाती है? हफ्ते में अब तो रोज रोजाना बात होती है. ऑफ कोर्स रात को इतना बॉन्ड है, 2 बजे के बाद फिर हमारा एक सेशन लगता है. तो रोज नई गॉसिप होती है? बहुत होती है. हमारी अपनी भी बातें होती है. बहुत बातें होती है हमारी. हमारी अपनी बातें ही गॉसिप. दे आर सो एंटरटेनिंग बेसिकली. It's therapeutic. क्योंकि जब आप फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपकी कोई इनहिबिशंस नहीं है. अपना हम इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं कि बाकी तो ऐसे दोस्त होना, एटलीस्ट एक ऐसा दोस्त होना जिंदगी में बड़ा जरूरी है. ब्रिंग यू बैक टू रियलिटी. लेकिन पता नहीं उस बेचारे दोस्त का कौन दोस्त होगा. हां, कौन दोस्त. अच्छा जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई आप हमें एंटरटेन करती रही हैं विद योर परफॉर्मेंसेस, विद योर एक्टिंग. लैला जो कि फर्स्ट टाइम हमारे शो पर तशरीफ लाई हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको एंटरटेन करें. जरूर. तो जी, हम सेट हिल क्यों रहा है? वो जलजला नहीं, नहीं जलजला भी आने वाला है. आई थॉट मूव्ड लाइक बैलेंस. अच्छा जी, लैला तो गाना भी गाती थी. है अच्छा, लैला थोड़ा सा हो जाए. नहीं, बचपन में अम्मी अब्बू को शौक था मुझे सिखाने का. कौन सा प्रोग्राम था? संग संग चले. नहीं नहीं, निसार बज़मी साहब की भी स्टूडेंट थी. अच्छा, हाउ वंडरफुल. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आसिम के शो पे कोई ऐसी एक्टर आए जिन्हें बचपन में गाया था, उसके बाद नहीं किया. अच्छा चलिए, अभी अभी तो हम आपको लेट्स गो विद द फ्लो. लेट्स गो विद द फ्लो. तो आज हमने आपको एंटरटेन करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए हमारे शो के एक रेगुलर सिंगर हैं जिनकी बहुत फरमाइशें आती हैं कि प्लीज उनको आप दोबारा बुलाएं. तो उनको हम जबरदस्ती खींच कर लाए हैं, जिसके लिए कुछ जलजले का इफेक्ट हो रहा था. वो थोड़ा सा इफेक्ट है और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है. वेरी डायनामिक, सारे टैलेंट्स हैं. हाँ, बहुत टैलेंट हैं और उनको हम बुलाते हैं. सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द वेरी डायनामिक टोनी नवेद रशीद. दिल को जलाना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया. दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया. फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया. दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया. गम भी यहाँ खुद को जला के हमने ये जाना, खुद को मिटा के प्यार का अब हम नाम ना लेंगे, प्यार का अब हम नाम ना लेंगे, ना दानी से काम ना लेंगे. इस दिल की के लिए, तेरी खुशी के लिए सारा जमाना
छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी लगन में निकले और खो गए हम पूछ ना क्या थे क्या हो गए हम गम से अगर दामन न छुड़ाते हो गम से अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते दिल ना जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम आंसू बहाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे ये आना जाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया What a fabulous performance, lovely. अच्छा भाई मेरी भी एक इल्तिजा है एक गुजारिश है एक रिक्वेस्ट है अब टोनी बार बार तो हाथ नहीं आता ना हाँ हो के लिए हाथ नहीं वेरी वेरी हाँ तो वेरी फेवरेट सॉन्ग आर इफ यू रिमेम्बर हाँ वेरी वेरी फेवरेट ना कौन सा ना इधर और अंग्रेजी में गाना है हाँ। उस फिल्म का नाम था कोरा कागज कोरा कागज और देवा जी पे और बाबरा शरीफ पे पिक्चराइज हुआ था बाबरा बिल्कुल बाबरा क्योंकि देवा से नजर ही नहीं हटी अगर आप पूरा गाना देखे तो बाबरा की लेजेंड सॉन्ग जी फॉर यू मारिया सम से आई एम स्वीटी सम से अ क्वीन ऑफ ब्यूटी But my soul is hurting. Some say I am pretty. Some say a queen of beauty. I am alive, heart is beating. But my soul is searching. Some say I am. मारिया की तो आपने फरमाइश पूरी की तो मेरी भी एक फरमाइश है मगर वो मैं बताऊंगा नहीं आपको गेस करनी है मैं हाँ मैं आपको बताता हूँ उसमें ना कुछ आइस का और कुछ स्लीप का कुछ अच्छा अच्छा ठीक है तू ते मेरी अखियां कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ मत सोचो इतना मत सोचो नहीं नहीं उनसे उनको गाने दे लैला के लिए कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ
लिए सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, तेरे ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, तेरे ये सोचता हूँ। Wow. Tony, thank you so much. बहुत शुक्रिया। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। तो पहले तो टोनी के लिए तैयार। Yes. What a fabulous performance. Yes. इसको देखने में भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है। और मैं तो ये अमेज हो रही थी जितनी रिक्वेस्ट आ रही थी सारे लिरिक्स याद थे, ऐसा नहीं था कि ओह लेट मी ओपन, भाई खुद भी तो उसको मजा आता है ना, वो हमारी तो नहीं ना फरमाइशें पूरी करता, वो उसके अपने अपने लिए अपनी फरमाइशें बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बड़ा वो मजा लगाता है महफिलों में। अच्छा लैला, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली आपका एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ हम कहां के सच्चे थे, तो उसमें अप्रिसिएशन भी बहुत मिली और ट्रोलिंग भी बहुत हुई। ट्रोलिंग किस बात पे? कि भाई आप जो है अपनी बेटी को छोड़कर चली गई और फिर जब दिल करता है तो आ जाती है माँ, और जब दिल करता है और राइटर लिखता है और हमसे परफॉर्म करता है। लेकिन ऐसे लोग आपको जो फीडबैक मिल रहा था तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती थी? मुझे तो यूजुअली बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बिकॉज बहुत अच्छे अरसे के बाद माहिरा आई थी, सारी दुनिया ही देख रही थी उनको, फिर हमारे कैरेक्टर्स बहुत यूनिक थे सब लोगों के, एंड द डायरेक्टर फारूक रेंद वाज जस्ट जीनियस। वो चार पेजेस को उठा के कहते थे इसको साइड पे रखें, आप एक स्टेप आगे लें, आप यहाँ मूव करें, आप उसको देखें। अच्छा। और जब वो स्क्रीन पे आता था इट हैड मीनिंग एंड सिंबलिज्म, तो मैंने बहुत लर्न किया उनसे। सीढ़ियों का बहुत इस्तेमाल हुआ उस ड्रामे में, क्योंकि जब हम हमारे शो पर आई थी मूवमेंट काफी थी, तो वो कहती थी कि आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनको स्टेयर्स करके ऊपर से चलकर आए, इधर से चलकर ऊपर से, स्टैटिक शॉट्स नहीं रखते, हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट रखते, व्हिच इज गुड, सबको ड्राइंग रूम में बिठा के चाय करवाया। आई एग्री, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद हिम सो वंस, वो एक बिठा के सीन नहीं करते, वो मूव दे रहे होते हैं, अब चाय का कप उठाओ, चाय के कप से उधर लेके जाओ, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एवरीथिंग। अच्छा मारिया, आपका आजकल एक प्रोजेक्ट ऑन एयर चल रहा है, तो उसमें आप इतनी सेमी हुई मिस्किन सी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सेमी मिस्किन, हाँ, तो दिल तो तुम्हारा करता हूँ कि रख के चपेड़ मारो शॉट होने के बाद फिर मैं वापस हो जाती हूँ। सुने एक विदाउट टेकिंग नेम्स मारिया ने एक दफा चपेड़ मारा भी हुआ है। हाँ सीरियसली, क्या था नाम? नहीं बता सकती, नाम ना बता, बट देयर वाज अ टाइम सीन था किसी एक्टर के साथ और वो सीन में नहीं उनके बहुत सारे ना मिलने वाले जैसे सेट पे आए हुए थे उस दिन न्यूयॉर्क, तो सीन में ये था कि वो बहुत ज्यादा डांट रहे हैं और माल पकड़ रहे हैं उनके एंड एवरीथिंग, तो सीन ऐसा था सेमी भी थी, जैसे ही डायरेक्टर ने कहा कट, इन्होंने किया पार्ट, पिछली बार हुई थी, he was acting a bit strange, तो मारिया ने वहाँ पे उनके मेहमानों के देखो वैसे somebody had to come and see my thunder, यानी अब ये मैंने कांटा गिरवाया, लेकिन कुछ हमारे और दोस्त थे, उन्होंने कहा नहीं ये रात हमारी है, उन्होंने ना वहाँ पे ना होते हुए भी फोन करके कहा अच्छा जी, इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लैला, आपका पहली दफा आई, थैंक यू सो मच,
मारिया आप दूसरी तीसरी दफ़ा आई, मगर आप जब भी आती हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि इट्स आप बुलाएं और हमला आए, आसिम इतने खुश होते हैं, मैं सुबह से सुन रही थी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड, तो आसिम की खुशी इज एविडेंट ऑन हिज फेस। यू गिव अवेज लैला, ये आपके लिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए, ये आपके लिए, थैंक यू सो मच, ये आपके साथ जाएगा, लुक्स लाइक गुडीज। मारिया ये थोड़ा सा हैवी है, ये नाव के बोझ की तरह, ये आपके साथ जाएगा। और इसके अलावा नबीलास की ये इनका कलर पैलेट का नया जीरो मेकअप आया है, जो कि आई बिलीव आजकल के लिए मस्ट हैव है। हनी, हनी, दिस इज हनी, ओ थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू आसिम एंड शर्मी, दिस इज फॉर यू, वाओ स्वीट, गुडी बैग्स, गुडी बैग्स। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक नबीलास एंटायर टीम दैट कम हियर, दे पैम्पर अस, दे पैम्पर आवर गेस्ट, हमें तैयार करते हैं, आसिम को तैयार करते हैं, बहुत पहले से तैयार करना, आसिम बहुत खुश है इस स्पेल में, वी वुडंट बी एबल टू डू इट विदाउट, नहीं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन दिस शो, आपको कैसा लगा, स्पेशली मैं लैला से पूछूंगा, हां लैला से पूछो ना, मैं तो भागती रहती हूं, हां बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं यूजुअली ज्यादा शोज में नहीं जाती एंड आई थॉट कि पता नहीं क्या सवाल, थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी ना, यू आर सेइंग कि आई वाज सेइंग कि मैं नहीं जाती ज्यादा, एंड देन बट इट फेल्ट लाइक फैमिली, सो थैंक यू शर्मीन एंड थैंक यू आसिम, यू स्टक विद आसिम and coming with Maria to mujhe aur bhi acha combination, aapko kaisa laga, as always I feel so privileged ke thanks to Aasim I get to meet all the stars jo ke jo hum discuss kar rahe the, main bahar to nikalti nahi hu to iske alawa koi mauka hi nahi milta mujhe hamare icons hamare legends se milne ka, so kind of you, thank you for having us, thank you so much, aur iske sath hi hum aap se ijazat chahenge, inshallah next week mulaqat hogi naye celebrities ke sath, naye stars ke sath, apni dua mein yaad rakhiye aur dekhte rahiye Star and Style season 2 only on PTV Home. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Sab hai mere sang, kyun na ho meherban, sitaron ka jahan, chahe jo nazar, uski ho qadar, labon pe uska, sitaron ka jahan, sitaron ka jahan, हर रंग है जवान, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवान, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।